हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कैरियर विजन में। दोस्तों, आपको मैं आज बताने वाले हूँ आदित्य बिरला ग्रुप में जो जगह निकले है पैन इंडिया में, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं एचआर के लिए, इंजीनियर्स के लिए और बाकी मैक्सिमम पोस्ट है। आप शुरू से लेके अंत तक की वीडियो देखेंगे तो आपको मैं पूरे जॉब्स किस तरह से आई है, कहाँ पे है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या डिटेल्स है, कहाँ पे जगह निकली है, पूरी इंफॉर्मेशन आपको A to Z में आज आपको यहाँ देने वाला हूँ। तो जरूर आप देखते रहिए शुरू से लेके अंत तक, और एक बिग ब्रांड आदित्य बिरला ग्रुप में काम करने का मौका मत छोड़िए। दोस्तों, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है फिलहाल अभी, और ऑनलाइन फॉर्मेलिटीज किस तरह से होती है, कौन सी जॉब के लिए, और वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप शुरू से लेके अंत तक देखेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। और दोस्तों, ऐसी जॉब मैं आपके पास लाते रहता हूँ तो जरूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि हमको अच्छे से अच्छा मोटिवेशन आपके तरफ से मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं हम लोग दोस्तों वो जगह कौन सी है। दोस्तों, इसमें जो जगह निकली आदित्य बिरला ग्रुप में, और ये है जैसा ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी की है, मैनेजमेंट ट्रेनी, लीगल सेक्शन में है, एक्सटर्नल रिलेशन में जगह निकली है, ह्यूमन रिसोर्स के लिए निकली है, टेक्निकल सर्विसेज में निकली है, पावर सेक्टर में है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में जगह निकली है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट में है, क्वालिटी मैनेजमेंट में है, नेटवर्क सर्विसेज में है, और बहुत सारी जगह जो डिपार्टमेंट अलग अलग उसमें ले यहाँ पे जगह निकली है। सो आप मान लीजिए कोई भी इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, उनके वेबसाइट पे जाना है careers.adityabirla.com में। अगर आपको चाहिए ये लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डायरेक्ट आप उसमें जा सकते हैं, और किस तरह से कहाँ पे किस तरह से जगह निकली है उसकी पूरी डिटेल में पूरा प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको कोई फीस देने की भी जरूरी नहीं है, नो फीस है यहाँ पे, और कोई आवेदन शुल्क आपसे लिया नहीं जाएगा। आप डायरेक्ट वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और रीजन के हिसाब से आपको कॉल करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते डायरेक्ट उनके वेबसाइट पे careers.adityabirla.group में। सो दोस्तों, हम लोग आ गए यहाँ पे adityabirla.com पे, और यहाँ पे देखेंगे कि दोस्तों आपको अलग अलग दिखते हैं कैरियर बाय बिजनेस, कैरियर बाय फंक्शन, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहे तो आप यहाँ पे अपलोड करके अपना रिज्यूम भी भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम है जॉब अपॉर्चुनिटीज का, हम लोग इसमें अगर क्लिक करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर तो ये वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पे देखिए सिलेक्ट सेक्टर यू वुड लाइक फ्रॉम द लिस्ट बिलो, मतलब आपको यहाँ पे जो भी सेक्टर में आप करना, आप बिरला कार्बन में काम करना चाहते, सीमेंट में करना चाहते, केमिकल्स में करना चाहते, इंसुलेटर्स में करना चाहते, माइनिंग में या फाइनेंशियल सर्विसेज में, रिन्यूएबल एनर्जी में या पेन सेक्टर में, ट्रेडिंग सॉल्यूशंस में, सो इनके जो भी सेक्टर है या पेमेंट बैंक में, जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं वहाँ पे वो सेक्टर में आपको कुछ नहीं करना है। मान लीजिए आप अगर बिरला आदित्य बिरला सीमेंट ग्रुप में काम करना चाहते हैं केमिकल में, तो सीमेंट पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे उनके वेबसाइट में आके, और जैसा आप क्लिक करोगे तो उनकी जो वैकेंसीज है, करंट वैकेंसी, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे ये सीमेंट सेक्शन के लिए वैकेंसीज निकली है अलग अलग, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ऑपरेशन केमिस्ट के हिसाब से जाना है तो कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में जगह निकले स्टाफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर के लिए, ठीक है। जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे जाना चाहते हो वो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हो, मान लीजिए अगर आप देखना चाहते हो लेबर के लिए, सो April 2022 मतलब एक दो दिन पहले जगह निकली है। इसके लिए पूरा क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे दिया है, एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर को आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, ठीक है। जॉब जो डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, इज रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड मेंटेन हार्मोनियस एम्प्लॉय रिलेशन एट ऑल लेवल्स, जो भी जॉब है आपको कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से करना पड़ेगा। सो ये स्टाफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप अप्लाई करना है तो कैसा करोगे कि आप यहाँ पे अप्लाई फॉर दिस जॉब करोगे, अप्लाई फॉर दिस जॉब करोगे तो यहाँ पे आपको उसकी ओपनिंग्स कितने, कहाँ पे है, क्या एक्सपीरियंस है, कब पोस्ट किया, पूरा डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। और ये मानिकगढ़ सीमेंट में है उनका यूनिट, जो आदित्य बिरला ग्रुप का मानिकगढ़ सीमेंट में, ये महाराष्ट्र में जगह निकली है इनकी। सो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है पूरा। और ये जो देख ली यहाँ पे दो शेयर और एक अप्लाई है, तो यहाँ पे अप्लाई पे आप क्लिक करना है। जैसा आप अप्लाई पे क्लिक करोगे तो प्लीज लॉग इन टू अप्लाई, अगर आपका मान लीजिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो आपको ओके बटन दबाना है। ओके बटन दबाओगे तो आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड, अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है पहले तो वो आपको डालना है, अगर मान लीजिए नहीं किया है तो आपको यहाँ पे न्यू यूजर और रजिस्टर करना है। यहाँ पे जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे
तो यहाँ पे आपको आपका डिटेल देना है, यहाँ पे आपका नाम आपको लिखना है, यहाँ पे आपका आपको ईमेल आईडी लिखना है, यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर लिखना है, और फिर एक पासवर्ड जो आप हमेशा याद रखते हो ऐसा पासवर्ड यहाँ पे, और वही पासवर्ड आपको कंफर्म करके साइन अप करना है। जब आप साइन अप करोगे तो आपको आपका रिज्यूम यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। वो आप यहाँ पे अपलोड करके सिंपल तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो आदित्य बिरला ग्रुप में जो भी जॉब चाहिए वो जॉब के लिए। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसा अभी हमने सीमेंट का देखा था, सीमेंट में सिर्फ एक सेक्टर देखा हमने लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो महाराष्ट्र में निकला है, जैसा क्वालिटी के लिए राजस्थान में निकला है, केमिस्ट के लिए जगह आई है। सो अगर आप केमिस्ट के लिए देखना चाहते तो आपके लिए पूरा ये भी अप्रैल 22 को निकला है, तो आप यहाँ पे पूरा ये देख सकते हैं। उनका मास्टर ऑफ साइंस BSc चाहिए, 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। नया वैकेंसी है, सेम प्रोसेस है किस तरह से अप्लाई करना है। और देखेंगे, अभी हम लोग सिर्फ सीमेंट सेक्टर में देख रहे हैं दोस्तों, सीमेंट सेक्टर के लिए जगह जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी दूसरे सेक्टर के लिए जाना तो फिर से आपको जॉब अपॉर्चुनिटी में जाना पड़ेगा। सीमेंट में देखें तो कार्बन या केमिकल सेक्टर में जा सकते हो, फाइनेंशियल सर्विसेज में जा सकते हो, ठीक है, बिरला फाइनेंस में, या फिर जो भी है ना, ट्रेडिंग हो गया आपको। पेमेंट बैंक में जाना है तो पेमेंट बैंक में हम लोग एक बार देख लेते क्या जगह ये वहाँ पे। अलग अलग सेक्टर के लिए दोस्तों अलग अलग जगह है यहाँ पे, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है, ठीक है ना। केमिकल सेक्टर के लिए देखते तो केमिकल सेक्टर के लिए जगह जाती है, और सबसे बात अगर आपको सभी जगह एक साथ देखना है तो उसके लिए भी आप जा सकते हो। कोई ऐसा ये नहीं है, ये डिप्टी मैनेजर सिविल के लिए आंध्र में निकला है ना, फिर महाराष्ट्र में ये केमिकल फैशन या इंसुलेटर मुंबई के लिए निकला है, फंक्शन हेड के लिए निकला है, मार्केटिंग के लिए निकला है, इंजीनियर DCS के लिए निकला है, केमिकल्स के लिए। सो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिया है। मान लीजिए आपको अगर पुनः जगह देखना है तो आप पॉइंट जॉब में जाओगे, पॉइंट जॉब में जाके आपको कुछ नहीं करना है, एनी लिखना है, एनी आप लिखोगे तो हर लोकेशन की, लेकिन यहाँ पे अपन देख सकते हैं हर लोकेशन की जगह निकले, एरिया सेल्स मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, स्ट्रेटेजिक सोर्सिंग लीडर, एजेंसी मैनेजर मुंबई, डाटा साइंटिस्ट, एजेंसी मैनेजर, है ना। और ये सब उनके वेबसाइट से हम लोग ला रहे हैं, मतलब जो जगह निकले वही मैं पूरा आपको बता रहा हूँ। हर जगह आप देख सकते हैं, सेक्शन हेड सिक्योरिटी के लिए निकले गुजरात में, है ना, सीनियर एग्जीक्यूटिव के निकले मैनेजर के निकले महाराष्ट्र में, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू यूनिट निकले आंध्र में, गुजरात में निकले, हर स्टेट में जगह निकले, हर स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये PF माने से ये अप्रैल 26 की, मतलब ये कल की जगह ही MPA भी निकली है। सो इसके लिए भी आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, आप अप्लाई कर सकते हो। BE BTEC अगर आपने किया है, सो मतलब इंजीनियरिंग से लेके HR से लेके लेबर से लेके हर फील्ड की जगह निकली है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जरूर अप्लाई कीजिए। मैं आप लोग अप्लाई करने का बॉयलर मेंटेनेंस के लिए निकले, बहुत सारे लोगों का बॉयलर मेंटेनेंस के लिए भी आता है कॉमन सर जगह में, तो बताए तो कुछ नहीं करना है, अप्लाई फॉर दी जॉब में क्लिक करना है, जो भी आप जॉब खोलेंगे यहाँ पे जाके अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद ओके करना है, ओके करने के बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्टर पे क्लिक करना है, और इस तरह से आपको फॉर्मेट भर के यहाँ पे अप्लाई करना है। दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिए, बताइए किस तरह से हमारे जॉब अच्छे लगते हैं, तो जरूर लाइक और सब्सक्रिप्शन करते रहिए, हम हमेशा आपके लिए अच्छे से अच्छे जॉब लाते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, कैरियर विजन वॉचिंग करने के लिए धन्यवाद।